दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय डॉक्टर फोन टूलकिट, जिससे आप अपने एंड्रॉयड और iOS दोनों के लॉस्ट हुए डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल। और ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक बजट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। यहां पर मेरे पास दो स्मार्टफोन हैं जो कि मुझे लगता है कि बजट सेक्शन में काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसे में ये है रेडमी नोट 5 और ये है ASUS का नया स्मार्टफोन जो कि लॉन्च किया गया है, ZenFone Max Pro M1। तो हम बात करेंगे सबसे पहले दोनों फ़ोन की डिज़ाइन की और कंपेयर करेंगे फुल कि आपको परफॉर्मेंस किस में अच्छी मिलती है, कैमरा क्वालिटी किसकी अच्छी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दोनों स्मार्टफोन में से विनर कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं दोनों फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो अभी आप देख सकते हैं साइड बाय साइड, ये है Xiaomi का Redmi Note 5 और ये है ASUS का ZenFone Max Pro M1। जी हाँ, नाम लंबा चौड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो लगभग से आपको सेम दिख जाएगी। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 5.99 इंच का फुल HD प्लस यहाँ पे मिलता है Redmi Note 5 में, जबकि ASUS के स्मार्टफोन में आपको मिलता है 6 इंच का। तो अगर आप सामने से देखेंगे दोनों स्मार्टफोन्स को तो हो सकता है कंफ्यूज कर जाएं कि यहाँ पे Xiaomi का कौन सा है या फिर ASUS का कौन सा है। तो सामने कुछ ऐसे ही मिलता है, कर्व डिस्प्ले दोनों में है तो ये काफ़ी अच्छी फील आपको देता है, कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। यहाँ पे रियर पैनल की अगर हम बात करें तो मेटल यूनिवर्स डिज़ाइन दोनों फ़ोन में आपको मिल जाता है। प्लास्टिक एंटीना लाइंस मिलती हैं ऊपर और नीचे दोनों स्मार्टफोन में। हालांकि यहाँ पे आपको साइड में जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन Redmi Note 5 में आपको मेटल का मिल जाता है। तो वो आप देख सकते हैं कि आपको डिज़ाइन किसकी पसंद है। बात करें यहाँ पे रियर कैमरास की तो यहाँ पे है डुअल कैमरा सेटअप, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बात है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे Redmi Note 5 की तो आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ से आप पोर्ट्रेट मोड वगैरह जनरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब पोर्ट्रेट फोटो जो आप लेते हैं बैकग्राउंड ब्लर वाली, वो Redmi Note 5 में आप नहीं कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लेते हैं ASUS का स्मार्टफोन तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट मोड वाली जो फोटोज हैं उनको ले सकते हैं, तो ये एक काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो Redmi Note 5 में आपको मिलता है यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का फिक्स्ड फोकस कैमरा, साथ में सॉफ्ट LED का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। हालांकि कैमरा की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है Redmi Note 5 में, लेकिन 5 मेगापिक्सल का है तो उस हिसाब से काफी अच्छी जो फोटोज आती हैं वो आपको मिलती हैं। बात करें ASUS के स्मार्टफोन में तो यहाँ पे फ्रंट में आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में यहाँ भी आपको सेल्फी फ्लैश मिल जाता है सॉफ्ट LED वाला, तो लो लाइट में आप अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसके फ्रंट कैमरा से। हालांकि यहाँ पे मेजर अपडेट आना भी बाकी है तो उसके बाद कैमरा और इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे जो बैक कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है Redmi Note 5 से, लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा स्ट्रगल करता है लो लाइट में भी और डे लाइट में भी। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट अपडेट में उसको फिक्स किया जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोज दिखा भी देता हूँ। अभी जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये दोनों फोन से मैंने क्लिक किए हैं साइड बाय साइड, आप देख पा रहे होंगे ASUS का स्मार्टफोन इस साइड है Max Pro, और कुछ इस तरह से आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे आप जनरेट कर पाएंगे बैकग्राउंड ब्लर वाली फोटो, मैंने आपको पहले मेंशन किया था। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है, जबकि Redmi Note 5 में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें सेल्फी की तो अभी आप देख पा रहे हैं दोनों पिक्चर्स, और मैंने पहले ही आपको मेंशन किया है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता है ASUS का स्मार्टफोन सेल्फी केस में। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको कैसी जो है पिक्चर क्वालिटी मिलती है। बात करें यहाँ पे कुछ और चीजों की तो ये है प्रोसेसर। जी हाँ, परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको इस प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छा हार्डवेयर मिलता है, Qualcomm Snapdragon 636, साथ में Adreno 509 GPU भी मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। गेमिंग फोन होने वाला है ये, और अगर आप ढूंढ रहे हैं गेमिंग फोन तो ये आपके लिए एक अच्छा फोन हो सकता है बजट में। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे ज्यादा अच्छी आपको मिलेगी, जबकि Redmi Note 5 में एक पुराना प्रोसेसर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 625, जो कि ठीक है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो ASUS
Asus का स्मार्टफोन यहाँ पे विनर रहेगा। बात करें यहाँ पे कुछ और चीजों की, तो ये है क्या, ये है बैटरी। जी हाँ, बैटरी की हम बात कर रहे हैं तो 5000 mAh आपको मिलती है Asus के स्मार्टफोन में। जी हाँ, बैटरी बीस्ट आप इसे बोल सकते हैं। 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको बड़े ही आराम के साथ मिल जाएगा। लेकिन Redmi Note 5 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देती है। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 SIM+ SD कार्ड के ऑप्शन की, तो ये आपको प्रोवाइड कराता है Asus। आप 2 SIM+1 SD कार्ड लगा सकते हैं, मतलब हाइब्रिड सिम स्लॉट का कोई यहाँ पे पंगा नहीं है। आप बड़े आराम से 2 SIM+ SD कार्ड यूज कर सकते हैं, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको ऐसा नहीं मिलता। यहाँ पे या फिर 1 SIM 1 SD कार्ड या फिर आप 2 SIM खाली लगा सकते हैं, SD कार्ड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ कॉमन फीचर्स की, तो आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, साथ में USB 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है, सिंगल स्पीकर आपको मिलता है दोनों में, लेकिन यहाँ पे आपको NXP एम्पलीफायर मिलता है और 5 magnet स्पीकर है, तो क्लियरिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं तो ज़रूर से इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। साथ में ये आप देख सकते हैं Asus का मैक्स बॉक्स, जहाँ पे आप अगर अपने फ़ोन को कुछ इस तरह से रखेंगे, ऐसे करके आप म्यूजिक प्ले करेंगे, स्टैंड है ये आप समझ सकते हैं, तो ये आपकी ऑडियो को थोड़ा इंक्रीज कर देगा। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लगभग से 20-30% तक ये इंक्रीज कर देता है। बाकी यहाँ पे दोनों फ़ोन की अगर हम बात करें तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है Asus की, लगभग से 1000 रुपये, लेकिन आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। जैसे हम बात करें 5000 mAh की बैटरी, एक अच्छा प्रोसेसर, रियर में आपको डुअल कैमरा, तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं, और साथ में स्टॉक UI। जी हाँ, कोई भी कस्टमाइज UI आपको नहीं मिलती, तो ये एक अच्छी बात है। आपको प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा Asus के ZenFone Max Pro M1 में। Android Oreo भी आपको मिलता है, Android P का भी अपडेट मिलेगा और Android Q का भी अपडेट मिलेगा। वहीं Redmi Note 5 में आपको मिलता है MIUI 9, जो कि एक कस्टमाइज स्किन है Xiaomi की, और Android Nougat मिलता है। जी हाँ भाई साहब, Android Nougat आज की डेट में आपको मिल रहा है। Android Oreo कब आएगा इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो यही थी कुछ चीज़ें, और एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल है जो कि है IR ब्लास्टर। तो इसकी हेल्प से आप अपने घर के अप्लायंसेज, जैसे AC है, TV है, या फिर आपका कुछ और जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं, उनको आप कंट्रोल कर पाते हैं Redmi Note 5 से, लेकिन आपको Asus के स्मार्टफोन में ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस के हिसाब से फ़ोन की, तो आप कंसीडर कर सकते हैं Asus का ZenFone Max Pro M1। ये प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिलती है, अच्छा प्रोसेसर मिलता है, और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, ये चीज़ मैं स्किप कर रहा था, जो कंट्रास्ट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है अगर आप कंपेयर करेंगे Redmi Note 5 से। तो आप ज़रूर से 11000 रुपये के अंदर ये स्मार्टफोन पिक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा Redmi Note 5 के साथ में। और अगर आप देखना चाहते हैं Xiaomi Redmi Note 5 Pro के साथ में इस फ़ोन का कंपैरिजन, तो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा कार्ट में, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।